हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में पूछे गए हैं। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि क्यों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस तो हूबहू पूछ लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही था जो पुराने क्वेश्चंस में था, सिर्फ डाटा बदल दिया गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करें। जिन लोगों ने ये पेपर दे दिया है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने उसी तरह से सॉल्व किए हैं या उनकी अप्रोच डिफरेंट थी। मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों कि जो इंडिया की एक्सपेंसिव कोचिंग्स हैं वो मिसलीड कर रही है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिसलीड हुए हैं बच्चे और कितना लेंथी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जबकि बहुत से क्वेश्चंस को शॉर्ट ड्यूरेशन में इजीली किया जा सकता था। और ये सीखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब टाइम प्रेशर रहता है वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात को समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट पूछा गया था 2013 में। फॉर्मूला पूछ लिया गया था 2013 में और अब वैल्यू देके आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। तो कोई चेंज नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमिक बात यह है दोस्तों कि इंडिया की दो मोस्ट एक्सपेंसिव कोचिंग्स ने अजीब सा सॉल्यूशन दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ के फैकल्टी को क्या इजी सॉल्यूशन देना नहीं आता है। ओके, इतना लेंथी सॉल्यूशन कौन करता है एग्जाम के अंदर, जबकि आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। व्हेन ए राउंड बार मटेरियल विद डायामीटर 37.5 मिलीमीटर, लेंथ 2.4, यंग मॉड्यूलस 110 एंड शियर मॉड्यूलस 42 इज स्ट्रेस्ड फॉर 2.5 मिलीमीटर, इट्स बल्क मॉड्यूलस विल बी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये सब एक्स्ट्रा डाटा दिए हुए हैं, इन डाटा की जरूरत नहीं है। आपको जो ई दिया गया है यहाँ पे यंग मॉड्यूलस 110 उसकी जरूरत है, शियर मॉड्यूलस जिसे कुछ बुक्स में जी लिखा जाता है लेकिन यूपीएससी मोस्टली इसको सी से रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू 42 दे रखी है और आपसे बल्क मॉड्यूलस के पूछा गया है। क्वेश्चन इज क्वाइट इजी फ्रेंड्स। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था रिलेशनशिप बिटवीन सी ई एंड के। इन तीनों में रिलेशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बेसिक रिलेशन है, उसी को रिलेशन को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। यानी कि ई इज इक्वल टू 9KC डिवाइडेड बाई 3K+C। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू 110 है, के आपसे पूछा गया है, सी आपको 42 दे रखा है डिवाइडेड बाई 3K+42। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत नज़दीक हैं तो बहुत हाई अप्रोक्सीमेशन मत करिएगा, छोटी अप्रोक्सीमेशन करिएगा, हाई अप्रोक्सीमेशन करने से आंसर गलत आ सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 96। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था क्योंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले के साथ इजीली किया जा सकता था। चलिए एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। अगर आप इसको देखें दोस्तों तो ये चार बार पूछा जा चुका है। 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 2000 में पूछा गया, उसके बाद 2001 में पूछा गया और 2007 में भी पूछा गया। तो जो क्वेश्चन चार बार पूछा जा चुका है उसमें तीन एक्सपेंसिव कोचिंग, आप तीनों के नाम समझ सकते हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को मिसलीड किया है बच्चों को और बहुत टाइम कंज्यूम करवाया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जबकि ये क्वेश्चन नॉट मोर देन 30 सेकेंड का था। अगर किसी ने अच्छी तैयारी की है, सिंपल बेसिक्स जानता है, रेकॉन के वीडियोस देखे हैं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 30 सेकेंड से भी कम समय में हो सकता था रादर देन गोइंग फॉर द लेंथी पार्ट। पहले मैं अपना सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चों को मिसलीड किया गया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी यू स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ड्यू टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। तो आपको एक कैंटिलीवर दिया है जिसके एंड पे डब्ल्यू लोड है, बाकी नीचे चीजें दे दी है कि लेंथ एल है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी ईआई दे रखी है और आपसे स्ट्रेन एनर्जी यू पूछी है। दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी निकालने का सिंपल फॉर्मूला यहाँ लगाइए, हाफ इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा।
बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। फ्री एंड पे आपको पता है कि डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 3 EI। सो पुट द वैल्यू, जबकि एग्जाम में तो पुट भी करने की जरूरत नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन आप दिमाग में करके ही आंसर निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज द आंसर? 1/6 डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब ओवर EI, ए इज द आंसर। अब इसको बाकी कोचिंग कैसे कर रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि U को आप निकालिए इंटीग्रेशन 0 to L एम स्क्वायर dx ओवर EI के साथ। आंसर निकालने में गलती नहीं है दोस्तों, अप्रोच ये भी ठीक है, लेकिन ये टाइम ले लेगी और इंजीनियरिंग सर्विसेज में टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे 20 to 30 seconds बचा लेते हैं तो आप दूसरी जगह पे क्वेश्चंस को करने में 20 to 30 seconds एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जबकि ये मेथड आपको एटलीस्ट 1 minute लगा देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अननेसेसरीली वेस्टेज ऑफ टाइम, नो नीड टू डू दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक लगाइए। अगर आपने रेकॉन के वीडियो में, फिर से बोल रहा हूँ, सीरियसली देखे हैं तो हमने काफ़ी इम्फेसिस किया है, क्योंकि 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 96, 2000, 2001, 2007 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है अगेन इस बार, यानी कि 2020 में फिर से ये क्वेश्चन आ गया। 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, सिंपल अप्रोच के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट के साथ इसको डिस्कस किया हूं। अगेन मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, 1998 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया था। यू विल नॉट टेक मोर देन 10 seconds टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो पैसे वाली कोचिंग्स हैं दोस्तों, जिसको आप बहुत सारा पैसा देते हैं, पता नहीं किस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 मिनट का कर दिया है। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से देखना था। मैं अपने प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन देता हूं तो हमेशा कहता हूं ऑप्शन पे नज़र रखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, एट ए पॉइंट इन ए 2-dimensional स्ट्रेस सिस्टम द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 2 mutually परपेंडिकुलर प्लेन्स आर सिग्मा xx एंड सिग्मा yy एंड शियर स्ट्रेस इज टाउ xy। वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बिकम 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ xy इज। अब देखिए आपसे स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है और ऑप्शन में अगर आप देखें तो यूनिटी नहीं बन रही, ये स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, तीनों ही स्ट्रेस नहीं है, अकेला जो स्ट्रेस है वो यही है। तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपको क्वेश्चन समझना ही नहीं था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सिर्फ यूनिट चेक कर लेनी थी कि फॉर्मूले में कहाँ पे स्ट्रेस बन रहा है। तो आंसर दोस्तों इसका डायरेक्ट हो गया डी, और सिर्फ 10 seconds। और ये सेम चीज, सेम ऑप्शंस 1998 और 2012 में भी थे, तो वहां पे अगर किसी ने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो उसको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ ऑप्शंस पे नजर रखनी होती है और आप आंसर निकाल सकते हो, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस पे ध्यान देना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सच ए ईजी ट्रिक जिसको कि लोग मिसलीड कर रहे हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चंस करके आप बहुत सा टाइम बचा सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जिसको आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे क्वेश्चंस टाइम ले रहा है। तो ये 3 questions बहुत ही पॉपुलर हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी बार पूछे गए हैं और देखिए किस तरीके से आपको मिसलीड किया गया है। अब दोस्तों बाकी क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछे गए हैं लेकिन एज इट इज़ नहीं पूछे गए, कहीं ना कहीं फंडामेंटल सेम थे लेकिन कुछ हल्का चेंज करके फिर से पूछ लिया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए पंच ऑफ 20 mm डाया इज यूज टू पंच अ होल ऑफ 8 mm थिक प्लेट। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल इज 110 kN द एवरेज शियर स्ट्रेस इन द प्लेट विल बी। यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालने के लिए दोस्तों आपको फोर्स को डिवाइड कर देना पड़ेगा सरफेस एरिया से। तो अगर आप सरफेस एरिया देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई डी इंटू टी, इज इट ओके? और फोर्स जो है वो आपको 110 दे रखा है, 110 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई जो डाया ऑफ द होल दे रखा है वो 20 mm है और 8 mm आपको थिकनेस दे रखी है।
आंसर मेगा पास्कल में है दोस्तों, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे देन द आंसर विल बी 220। सो सी इज द आंसर, क्वाइट इजी क्वेश्चन, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे एंड यू कैन गेट द कंप्लीट मार्क्स विदाउट एनी नेगेटिव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट था, फंडामेंटल सेम थे, फॉर्मेट डिफरेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड है। चेंज इन वॉल्यूम पूछी गई है, पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछी जाती थी, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग, 20 मिलीमीटर वाइड एंड 15 मिलीमीटर थिक इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाई लोड ऑफ 30 kN। If poison ratio is 0.25 and young modulus is 200 gigapascal, an increase in volume will be. तो देखिए volumetric strain delta V by V होती है sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 1 minus 2 mu divided by E. Quite basic. अब आपको यहाँ पे sigma 2 नहीं दिया गया है तो 0 हो गया, sigma 3 भी नहीं दिया गया है तो 0 हो गया। सिग्मा 1 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है, फोर्स दिया गया है 30 और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो गया 20 एंड 15। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 15 ये आपका सिग्मा 1 हो गया दोस्तों। टोटल वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2000, क्योंकि 2 मीटर दे रखा है तो हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15। तो डेल्टा वी की अगर आप वैल्यू देखें तो इट विल बी 2000 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए 30 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज 200 गीगा पास्कल और साथ में 1 माइनस 2 म्यू में देखें तो म्यू की वैल्यू 0.25 है, तो ये टोटल ब्रैकेट जो है आपका वो हो गया 0.5 का। 0.5 हुआ दोस्तों तो 30 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज 15 और ये 15 हो गया, कैंसिल आउट। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए जिससे आप टाइम सेव कर सकें। और अब आप देखें तो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको मैंने कैंसिल कर दिया एंड फाइनली डेल्टा वी जो आपको मिला वो मिला 150। बी इज योर आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला डेल्टा वी बाई वी पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट तरीकों से और उसी पे क्वेश्चन बेस्ड था, तो आई थिंक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ।